सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। नंबर एक, घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना चाहिए। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। नंबर दो, नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज़ हो। नंबर तीन, अपना किरदार इतना ख़तरनाक रखो कि तुम्हारा शांत रहना लोगों के दिलों में घाव कर दे। नंबर चार, अपने खिलाफ अपनों के द्वारा हो रही बातों को खामोशी से सुनते रहो, क्योंकि इन सब का जवाब समय आपसे भी बेहतर देगा। नंबर पाँच, इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहाँ से ठोकर मिले जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। नंबर छः, आदमी कहता है उस माँ का कर्ज नहीं चुका सकता जिसने जन्म दिया। औरत पूछती है उस पत्नी के लिए कोई फर्ज नहीं जिसने तन मन और अपना सारा जीवन दिया। नंबर सात, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। नंबर आठ, कुछ औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं, खुद कभी ससुराल में नहीं रहती पर अपनी भाभी को जरूर समझाती हैं कि सास ससुर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। नंबर नौ, किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका कौन है, ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा समय, अगर वो सही है तो सभी अपने हैं वरना कोई भी अपना नहीं है। नंबर दस, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। नंबर ग्यारह, समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। नंबर बारह, ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी को घुमा देता है। नंबर तेरह, ईमानदारों के किस्से तो बस किताबों में रह गए हैं, अब आजकल जो बुरा है वही सबसे अच्छा है। नंबर चौदह, मिडिल क्लास जिंदगी भी क्या जिंदगी है, शर्ट खरीदो तो जूते खराब, जूते खरीदो तो पेंट खराब और सब खरीदो तो हालत खराब। नंबर पंद्रह, घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ तो अपने आप ही खुश हो जाएगी। नंबर सोलह, एक स्त्री तब ही पूरी होती है जब वो माँ बनती है, लेकिन एक मर्द तब पूरा होता है जब उसके साय में औरत हंसती और खिलखिलाती हुई दिखाई देती है। नंबर सत्रह, औरतों की इज्जत करने का दावा करने वाला समाज लड़की के लिए रिश्ता देखने पर गर्व से बताता है कि सास नहीं है बेटी सुखी रहेगी, बात कड़वी है किंतु सत्य है। अठारह, बाप ने जान लगा दी इज्जत बनाने में, बेटी कपड़े खोल गई रील बनाने में। उन्नीस, कुछ लोग कभी सुधरते नहीं हैं बल्कि वो तो गलत साबित होने पर अगली बार के लिए और भी ज़्यादा चालाक हो जाते हैं। नंबर बीस, ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है। नंबर 21, ना रखना उम्मीद किसी से, साथ छोड़ देते हैं लोग, हौसला रखना खुद के कदमों पर, साथ हमेशा यही देते हैं। नंबर 22, हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। नंबर 23, पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। नंबर 24, माना कि सादगी का दौर नहीं पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं। नंबर 25, रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। नंबर 26, ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास नहीं होता। नंबर 27, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको इग्नोर करें तो दोबारा उसे डिस्टर्ब मत करना।
नंबर 28, उन लोगों पर शब्द बर्बाद ना करें जो आपकी चुप्पी के लायक हैं। 29, अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं होगा। नंबर 30, ससुराल ही एक ऐसा घर होता है जहां एक लड़की को अपमान होने के बावजूद भी अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए वहां जिंदगी गुजारनी पड़ती है। 31, ज़्यादा ना सोचें, ये ठीक नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ आपके अनुकूल हो ये ज़रूरी तो नहीं। नंबर 32, चीज़ों को समय दें, क्योंकि समय लगभग सब कुछ सही कर देता है, इसलिए समय दें, कुछ चीज़ें समय के हाथों में होती हैं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।